There are a lot of compliments जो बहुत दिल के करीब है, which is one of them is the recent before lockdown, एक 21 year old लड़की का मुझे Instagram पे message आया था कि sir I tried committing suicide thrice in my life and every time I did that I couldn't succeed and I watched your show and your show gave me the strength to live. Hello Krishna, welcome to E-Times TV. Thank you Vijaya, thank you so much for having me here. And thanks for taking out time for us. I know कि you know show offer गया है, लेकिन आप इस show का बहुत अहम हिस्सा रहे हैं. ये show आपकी ज़िंदगी का बहुत अहम हिस्सा रहा है. दोनों को you know अलग-अलग नाम नहीं लिया जा सकता. कितनी यादें थी show की and what has been the takeaway for you from this show? कह रहा था कि अभी तक मुझे offer हो गया. और इसकी एक बहुत बड़ी वजह ये है कि जो भी फैंस एंड फॉलोअर्स हैं मेरे, वो सारे सोशल मीडिया में अभी तक इतने ज्यादा मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सर प्लीज वापस आ जाइए, हम आपको बहुत मिस कर रहे हैं, प्लीज वापस आ जाइए, हम आपको बहुत मिस कर रहे हैं. आई थिंक जिस पॉइंट पे हमने तेनालीरामा ऑफ किया है, ऑफ एयर गया है, लोगों को ये उम्मीद बंधी हुई है कि शायद सेकेंड पार्ट आएगा. मैं अब मेरे बाल उगने शुरू हो गए हैं, आप देख सकते हैं कि अब मैं बॉल्ड नहीं हूँ. अब मैं पिछले एक महीने से अपने बाल उगा रहा हूँ, तो मैं मेंटली उस जोन से बाहर आ चुका हूँ कि मैं तेनालीरामा नहीं कर रहा. लेकिन मन के अंदर एक एक खाली जगह हो गया है जो तेनालीरामा ने भरा हुआ था. मैं कृष्णा था जो रामा कृष्णा प्ले करता था जी. तो तेनालीरामा ने मेरी जिंदगी बदल दी. तेनालीरामा से ही मुझे सब कुछ मिला है. आज मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ, इस जगह पे पहुंचा हूँ, वो सिर्फ तेनालीरामा की वजह से ही है. तो ये एक वो एक रिक्त स्थान है जो कोई नहीं भर सकता, कोई दूसरा कैरेक्टर नहीं भर सकता, until unless I do something really different. तो अभी तक तो मैं उसी जोन में ही हूँ. जैसे आपने कहा कि you know तेनाली रामा ने आपकी जिंदगी बदली है, तो मैं जानना चाहूंगी how has the show changed your life? तेनाली रामा के पहले I was a struggling actor. मैं काम ढूंढ रहा था, मेरे पास काम नहीं था. एंड तेनालीरामा ऐसे ऑडिशन आया था कि अगर आपको ये रोल मिल जाता है तो आपको अपने बाल मुंडवाने पड़ेंगे एंड ब्ला 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 समथिंग. तो अब क्योंकि बेगर्स कांट बी चूजर्स, तो मैंने सोचा ठीक है अभी देखते हैं क्या होता है. और चलेगा भी शो तो 3-4 महीने ही चलेगा, उससे ज्यादा क्या चलेगा, क्योंकि उस समय कुछ शोज ज्यादा चलते नहीं थे. एंड फिर पता चला कि मैं सिलेक्ट भी हो गया हूँ. और सडनली विद इन अ वीक तेनालीरामा बिकेम अ टॉक ऑफ द टाउन और सुपर हिट हो गया. और मैंने देखा मेरी होर्डिंग्स लगी हुई हैं, बड़ी बड़ी सोलो होर्डिंग्स लगी हुई हैं, प्रोमोज आ रहे हैं, वेरी गुड पीआरपी, पीपल आर अप्रिशिएटिंग. एक एक्टर को जो भी मुंबई आता है बाहर से, आई थिंक वो यही सपने देखते हुए आता है जो मैं उस समय जी रहा था. लोग मुझसे पूछते थे कि कैसा लग रहा है आपको, लेकिन बिलीव मी मैं काम करने में इतना ज्यादा बिजी रहता था कि मुझे समझ में नहीं आता था कि मुझे कैसा लग रहा है. ये खत्म हो गया है तो मुझे याद आता है, अरे हाँ यहाँ मेरी होर्डिंग लगी हुई थी, अरे हाँ इस समय मेरा शो आता था, इस जगह पे मेरी होर्डिंग लगी थी. तो ये सारी चीजें अभी याद आती है. मैंने जितने पैसे कमाए, जितना नाम कमाया, मुझे उन चीजों को एंजॉय करने का टाइम नहीं मिला क्योंकि मैं काम करने में इतना बिजी था. अब पिछले एक महीने से मैं खुल के लाइफ जी रहा हूँ. ऑल्सो इस कैरेक्टर ने मुझे अंदर से काफी बदल दिया. ये कैरेक्टर इतना खुश मिजाज और इतना नॉटी और इतना शरारती, मैंने अपने हर इंटरव्यू में कहा है कि ये तेनालीरामा कलयुग का कृष्ण भगवान था. मैंने इसको जिस तरीके से प्ले किया तो ये कृष्ण भगवान की तरह थे. तो अब कृष्ण भगवान जैसे थे वो तो बड़े, वो भगवान थे, अब मैंने उसी तरीके से प्ले करने की कोशिश की. तो उनका कुछ अंश तेनालीरामा का कुछ अंश मेरे अंदर इस तरह से आ गया है कि अब मैं एक ज्यादा खुश इंसान, अब अपने प्रॉब्लम से मैं घबराता नहीं हूं, मैं अंदर से बहुत खुश हो गया हूं. तो इस तरह से इसने मुझे बहुत काफी हद तक बदल दिया इस कैरेक्टर में. Right. Also, what has been or which has been the best compliment so far that you know you have received or जो आपके दिल के बहुत ही करीब है? There are a lot of compliments जो बहुत दिल के करीब है, which is one of them is the recent before lockdown. एक 21 year old लड़की का मुझे Instagram पे message आया था कि sir I tried committing suicide thrice in my life and every time I did that I couldn't succeed and I watched your show gave me the strength to live. So my parents make sure that I watch your show every day and they are really happy and thankful to you. I think that was the biggest achievement an actor can get, ki agar aap kisi ko kisi ki jaan jaane se bacha sakein.
इसी तरह के शुरू में भी आए थे कि किसी के फादर का डेथ हुआ था एंड शी मैसेज कि आपका एपिसोड देख के मेरी मम्मी आज 10 दिन में पहली बार हंसी हैं। इस तरह के कॉम्प्लीमेंट्स बहुत मिलते थे। मुझे याद है मैं अहमदाबाद गया था प्रमोशन के लिए, तो वहां पे बड़ी बड़ी औरतें आकर मेरे पैर छूती थी कि पंडित जी आशीर्वाद दीजिए मेरा बेटा एग्जाम में पास हो जाए एंड ऑल दैट। एंड आई वाज लाइक यार मैं तो भगवान का कैरेक्टर भी नहीं प्ले कर रहा हूँ, बट दिस वाज द इम्पैक्ट ऑफ रामाज कैरेक्टर ऑन एवरीबॉडी एंड द ऑडियंस। सो ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स बहुत मिले बाय गॉड्स ग्रेस। राइट। Also, वो decision कितना tough था आपके आपके लिए या to live with a bald look throughout this 3 years और वो decision लेना कि वो look मुझे maintain करना पड़ेगा और मैं actually मैं सर मुंडवाऊंगा, वो decision कितना tough था? जी, 27th of May 2017 को मैं सलोन गया था and मैंने कहा था भाई मुझे bald बना दो और मैं क्योंकि मैं अपने आप को देख नहीं पाऊंगा गंजा होते हुए, तो मैं आंख बंद करके बैठता हूँ, जब हो जाए तो बता देना। तो मैं उस पूरे दौरान आंख बंद करके था और जब हो गया तो फिर जब मैंने आंखें खोली तो सामने मिरर में एक गंजा आदमी दिख रहा था। होता क्या है कि वी एक्टर्स वी लव आवरसेल्व्स, यू नो, वी लव आवर लुक, आवर हेयर, आवर स्टाइल। इट्स अ विजुअल मीडिया, हमें सुंदर दिखना अच्छा लगता है। और सडनली मेरे सामने एक गंजा लड़का बैठा है मिरर पे दिख रहा था। आई थॉट पता नहीं क्या होने वाला है आगे, सब मैंने भगवान पे छोड़ा। लेकिन ये आई थिंक ये यूनिवर्स एंड ये एंजल्स का आशीर्वाद था मेरे सर पे कि एक गंजा हीरो 3.5 साल तक एक शो चला रहा है जो कि आपके जो सीरियल का मेन लीड है, जो सीरियल का नाम ही उस पर है, और ये अपने आप में एक हिस्टोरिकल कैरेक्टर बन गया। एंड आई थिंक आई एम रियली फॉर्चुनेट कि मुझे ये कैरेक्टर प्ले करने का मौका मिला, नॉट ओनली इन द लुक्स बट द काइंड ऑफ इमोशंस आई हैव पोर्ट्रेड थ्रू तेनालीरामा। It has given me immense creative satisfaction. Okay, moving forward, जाने से पहले, you know, interview खत्म करने से पहले, आप अपने fans को क्या कहेंगे जिन्होंने 3 साल आपको इतना प्यार दिया? मैं उनको यही कहूंगा कि आप लोग प्लीज निराश मत होइए। मुझे ऐसे मैसेज आ रहे हैं कि सर आपने जाते जाते बहुत रुलाया, वी आर क्राइंग, वी आर मिसिंग यू, एवरी 7:30 आई मैसेजेस कि सर दिस इज योर टाइम, अब मैं किसे देखूं, मैं क्या करूं। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज आप निराश मत होइए। क्या पता तेनालीरामा का सीक्वल आ जाए 4-5-6 महीने बाद आप लोगों के आशीर्वाद से। और अब मेरी गुजराती फिल्म आ रही है तो आप उन्हें देखिए एंड वेट फॉर अ बेटर कृष्णा भारद्वाज नाउ। आपको कृष्णा ने रामा बन के बहुत एंटरटेन किया है, अब कृष्णा की बारी है कि दूसरे दूसरे कैरेक्टर्स में आपको नजर प्यार मुझे रामा के कैरेक्टर में दिया है, प्यार मुझे बाकी सारे कैरेक्टर्स में भी दीजिए, मैं बस यही कहना चाहूँ। Thank you so much, Krishna. It was lovely talking to you. All the best for your future and your Gujarati film. And keep doing the good work. Thank you so much, Vijaya. Thank you so much. Take care. Bye. Means a lot. Thank you. Thank you. Bye. You too. Bye-bye. Bye-bye.